नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जो हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अब टाइम आप ख़त्म मानो कि टाइम ख़त्म है। तो कल का दिन है, कल के दिन में हम जितना हो सके उतना स्टडी कर लें, अच्छी बात है। कि परसों को जब हमारा टेस्ट होगा 10 बजे, तो उनके लिए सबको ऑल द बेस्ट, सबने अच्छे से टेस्ट देना है। तो जो आज हम वीडियो में जो करने वाले क्वेश्चन, ये है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परियोजनाएँ, पहले तो हम उनके बारे में जानने वाले हैं, जो उनकी सब परियोजनाएं उनके बारे में पूछा जा सकता है इसमें, कि कौन सी परियोजना कहाँ है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाया है, इसमें आपको एक तो ये पता लग जाएगा, ये 4 या 5 क्वेश्चन का एक ही बना के मैंने आपसे पूछा है। देखिए उसमें एजेंसी के बारे में अलग पूछते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो है, कौन सी कितने मेगावाट की है वो, कौन सी नदी के ऊपर है। तो मैंने इसका सबका एक ही वीडियो, मतलब क्वेश्चन में आपको बना के इसका बताया। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तो मतलब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको 50 से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं वो आपसे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना है एंड तक। तो इसमें जो सब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो परियोजना है, मैंने सब इसमें कवर की है, क्योंकि इसमें से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन एक से ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएँ। पहला प्रश्न है आंध्र जल विद्युत परियोजना। तो ये है आंध्र जल पंबर नदी की सहायक नदी है जो आंध्र, ठीक है ना। तो ये एजेंसी पूछा, एजेंसी पहले तो एजेंसी HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है, और ये ज़िला शिमला में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है ये, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और कितनी मेगावाट की है ये, तो ये है 16.95 मेगावाट की। तो आपने इनको देख लेना, देखो अच्छे से मैंने क्या बोला। अगर वो आपसे पूछेगा कि कौन सी नदी पर है, तो आप बोल दो कि पंबर नदी की सहायक नदी आंध्र के ऊपर है, ठीक है, उसमें वैसे भी लिखा सकते। एजेंसी पूछेंगे तो आप HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोल देंगे, डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो आप शिमला बोल दोगे, अगर वो आपसे मेगावाट पूछेंगे तो आप इसका 16.95 मेगावाट बोल देंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन के एक में ही बता रहा हूँ आपको। तो चलते हैं अगला देखते हैं। अगला गिरि जल विद्युत परियोजना है, ये कौन सी परियोजना है, कहाँ पर है, मतलब उन्होंने पूछा है कौन सी नदी पर है, तो यमुना नदी के ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट ज़िला सिरमौर। तो एजेंसी कौन है, एजेंसी कौन सी है, HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो कितने मेगावाट की है, 60 मेगावाट की है ये परियोजना, ठीक है ना। तो इसने आप स्क्रीनशॉट ले लेना अपने, जाए इनको स्क्रीनशॉट क्यों लेना, आपने इनको याद ही कर लेना ऐसे ही, क्योंकि याद हो जाएगी। और इससे आपको ये भी पता लग रही कौन सी नदी कहाँ बह रही है। यमुना नदी जैसे आपको पता है कि सिरमौर में ही बहती है और कहीं नहीं बहती, आपको पता होना चाहिए। सिरमौर में बहती, शिमला को टच करती है, ये देखिए आप सिरमौर में शिमला में दो जगह। आपको ये भी इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि नदियों के बारे में पता चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले गुम्मा जल विद्युत परियोजना, ब्यास नदी, ये कौन सी नदी पर है, ब्यास नदी के ऊपर है। जिला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ब्यास। तो एजेंसी कौन सी है, HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो कितने मेगावाट की है जी, 3 मेगावाट की है। तो इसको आपने ध्यान में रखना कि कितने मेगावाट की है, एजेंसी कौन सी है और ज़िला कौन सा है। और पूछेंगे इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछेंगे, मेरे को पता है इसमें से वो पूछेंगे, क्योंकि एक एजेंसी का डाल ही देंगे वो GK में, जो भी GK है ना हिमाचल प्रदेश का, उसमें से एक इसमें डाल सकते हैं। तो ये अब चलते हैं अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। तो अगला रुकती जल विद्युत परियोजना, रुकती ये कहाँ पर है, रुकती जल विद्युत परियोजना ये है ज़िला किन्नौर में है। देखिए रुकती ज़िला किन्नौर और एजेंसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो नदी कौन सी है, सतलुज नदी के ऊपर है। देखिए आप रुकती जल विद्युत परियोजना आपसे पूछेंगे कि कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप बोल दोगे सतलुज नदी के ऊपर है। तो कितने मेगावाट की है, आपसे बोल दोगे 1.5 मेगावाट की है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा किस ज़िले में है, तो आप बोल दोगे रुकती जल विद्युत परियोजना किस ज़िले में है, तो बोल दोगे कि किन्नौर ज़िले में है। तो एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चनों के एक क्वेश्चन में ही बताया मैंने आपको। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला है चाबा जल विद्युत परियोजना, ज़िला शिमला में है जी चाबा। तो एजेंसी कौन सी है इसकी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एजेंसी है। तो मैं जो भी करवा रहा हूँ आपको फ्रंट पहले वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सब एजेंसी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। नदी कौन सी है इसकी, सतलुज नदी है। अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले कि शिमला में एक ही ऐसी परियोजना है जो यमुना पे है और कोई नहीं है, बाकी सब सतलुज के ही पे ऊपर होगी है,
अगर आपसे शिमला का पूछेंगे कि शिमला में ये प्रोविजन, तो आप नदी के बारे में पूछे तो आपने आंखें बंद करके सतलुज को टच करना, टिक लगाना। मेगावाट कितना है, तो 1.75 मेगावाट, ठीक है 1.75 मेगावाट की है जी चाबा जल विद्युत परियोजना। आप डिस्ट्रिक्ट का भी याद रखना, अगर आप डिस्ट्रिक्ट याद कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही नदियों के नाम पता लग जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में सतलुज ही बहती है इस डिस्ट्रिक्ट में, दिमाग लगा के पता लग जाता है वहाँ पे। थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, अगर ज़्यादा लगाओ कहीं पेपर 51 नंबर का कर दो, ठीक है ना। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, जिला लाहौल स्पीति में है रोंगटोंग, नदी सतलुज 2 मेगावाट की है जी। जिला एजेंसी इसमें कौन सी है, एजेंसी इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही है, ये मेरे से कटगी होगी, तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एजेंसी रोंगटोंग में, ठीक है ना। तो इसकी एजेंसी कौन सी है, इसकी एजेंसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही है, ठीक है ना। तो ये मेरे से टाइपिंग नहीं हुई होगी जहाँ पे मैंने लिखी नहीं, तो इसका भी रोंगटोंग का भी वही है। तो देखते हैं अगला कौन सा है, तो ये परियोजना में से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पर। तो अगला है धनबी जल विद्युत परियोजना, धनबी, ठीक है ये जिला शिमला में है, और किस नदी के ऊपर है ये सतलुज नदी के ऊपर है। एजेंसी पूछेंगे तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के है, अगर आपसे मेगावाट पूछेंगे तो आप बोलोगे 22.5 मेगावाट की है, ठीक है ना। ये आपको ऐसा प्रश्न बना के कोई नहीं बताएगा, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, एक प्रश्न के साथ 5 प्रश्न बता रहा हूँ आप। तो आपने इनको जैसे अब पूछ ले, देखो शिमला को पूछा आपने, अगर आपसे पूछे धनबी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, शिमला में है, कौन सी नदी भी है, तो आप बोलोगे शिमला में तो एक ही बहती है सतलुज, तो उसको आप बोलोगे नहीं सतलुज, सतलुज के ऊपर। थोड़ा एजेंसी पूछोगे तो एजेंसी का आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोलोगे, मेगावाट बोलोगे, मेगावाट में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि 22.5 मेगावाट, मेगावाट इतना याद रहता, पर आपको नदी का तो याद रह जाएगा, नदी का कि नदी कौन सी बहती शिमला में, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे ऐसे। आगे है बाबा संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, तो ये है जिला किन्नौर में, और नदी कौन सी है सतलुज, मेगावाट कितने मेगावाट की है 120, ठीक है। एजेंसी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो ये आपने याद कर लेना, अच्छे से देख के उसको याद कर लेना। और देखते हैं अगला कौन सा, अगर रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, ये आ गई, वो पीछे टाइप ही नहीं होती, मैंने यहाँ पे डाल दिया फिर से। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति के जिले में है, और नदी कौन सी है, नदी है इसमें सतलुज, और 2 मेगावाट की एजेंसी है, एजेंसी हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। चलते हैं, ये तो हो गया इसका। अगला है बिनवा प्रोजेक्ट, बिनवा प्रोजेक्ट कहाँ पे है बना हुआ ये, तो ये आपने बोलना है जिला कांगड़ा में बना हुआ है, कौन सी नदी पे है, तो आपको पता है कि ब्यास नदी कांगड़ा में बहती है ज़्यादातर, तो नदी ब्यास, ये मंडी में भी बहती है, कुल्लू में भी बहती है ब्यास नदी, अपने ब्यास का याद रखना। एजेंसी कौन सी, HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है लिमिटेड, तो कितने मेगावाट की है 6 मेगावाट की है बिनवा प्रोजेक्ट, ठीक है ना, बिनवा जल विद्युत परियोजना, जिला कांगड़ा, नदी ब्यास, एजेंसी HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मेगावाट की क्षमता, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने मेरे से टाइपिंग गलत हो गई, मेगावाट यहाँ पे मेगावाट होना था, मेगावाट ठीक है ना, 6 मेगावाट की है, तो इसको आपने देखना नहीं, मेगावाट की क्षमता 6। देखते हैं अगला कौन सा है, अगला है गज प्रोजेक्ट, गज जल विद्युत परियोजना, तो ये है जिला कांगड़ा में, और नदी कौन सी है, नदी है ब्यास, और देखिए ये फिर से आ गया, नदी है ब्यास। एजेंसी कौन सी है, HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ये मैंने आपको जो भी पीछे सब करवाई हैं परियोजनाएँ, ये सब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर ही है, ठीक है ना, अपना ध्यान रखना इनका। और मेगावाट की क्षमता कितनी है, 10.25 मेगावाट की क्षमता है इसकी, ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा एंड में कि टोटल कितने मेगावाट की क्षमता है बिजली उत्पन्न करता है हिमाचल प्रदेश टोटल, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है, और सबसे छोटी विद्युत परियोजना कौन सी है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा है। अगला है बनेर प्रोजेक्ट, जिला कांगड़ा, नदी ब्यास, फिर से आगे ब्यास, ठीक है, बनेर प्रोजेक्ट, बनेर जल विद्युत परियोजना, जिला कांगड़ा, नदी ब्यास, एजेंसी HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
मेगावाट क्षमता 12, कितनी मेगावाट क्षमता 12। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा वरना। अगला है बसी प्रोजेक्ट, बसी जल विद्युत परियोजना। तो जिला मंडी, नदी ब्यास एजेंसी HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मेगावाट क्षमता कितनी है इसकी, तो 60 मेगावाट की है जी बसी प्रोजेक्ट। जिला कांगड़ा, जिला मंडी, नदी ब्यास एजेंसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मेगावाट क्षमता 60। चलते हैं अगला देखते हैं अगला कौन सा है। अगला लार्जरी जल प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना लार्जरी जो प्रोजेक्ट है जी, ये जिला कुल्लू में है और नदी कौन सी है ब्यास। मैंने आपको बताया था कि ब्यास नदी भी कुल्लू में बहती है, ठीक है। एजेंसी कौन सी है HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, मेगावाट क्षमता 126 मेगावाट क्षमता। तो इनके एक इसमें ए मेरे से एक गलती होगी, इसमें सन नोट नहीं हुआ कि ये प्रोजेक्ट कब बना था, कब से कब बना था। इतना पर इतना डीपली नहीं पूछेंगे, वो यही पूछेंगे कौन सी नदी के ऊपर है, बस यही ज़्यादातर पूछते हैं कि कौन सी नदी के ऊपर है, या आपसे पूछेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बस यही पूछेंगे और नहीं पूछेंगे ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या ही पूछेंगे कि कौन सी एजेंसी इस पे कार्य कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड पूछेंगे ही पूछेंगे क्वेश्चन इसमें से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर है तो अपने बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपको कितनी नॉलेज है। आगे देखते हैं आगे कौन सा है, कोल डैम परियोजना। तो ये है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोल डैम परियोजना। तो जिला बिलासपुर में है ये कोल डैम परियोजना और इस एजेंसी कौन, NTPC, ठीक है एजेंसी। ये पुलिस के पेपर में भी आया था कोल डैम परियोजना, एक पेपर में आया था, मैं क्वेश्चन गलत करके आया था तो मेरे को याद है आज तक, NTPC में है ये। और नदी कौन सी, सतलुज है। तो रशिया की सहायता मिली थी इसकी, रशिया की सहायता मिली थी इसको, ठीक है। तो मेगावाट क्षमता कितनी है इसकी, 800 मेगावाट क्षमता है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो आपसे पूछा जा सकता है रशिया की सहायता से कौन सी परियोजना बनाई गई थी या चल रही थी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कोल डैम परियोजना, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। अगला है पार्वती परियोजना। अब ये कौन सी आ गई, ये दूसरे उनकी आ गई एजेंसियों की, मैं दूसरी एजेंसियों की बात करने लग गया। अब नदी कौन सी है, ब्यास, जिला कुल्लू, एजेंसी NHPC एजेंसी आ गई NHPC, ठीक है ना। मेगावाट क्षमता 2050 मेगावाट, ठीक है, ये इसका होगा पार्वती परियोजना का। आगे चलते हैं तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पार्वती परियोजना 2050 मेगावाट की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। कुल्लू जिले में ब्यास की सहायता नदी, ब्यास की सहायता नदी पार्वती पर निर्मित है। NHPC द्वारा बनाई गई जा रही है, जिसे 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एवं हरियाणा का सहयोग है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का 15% हिस्सा है। सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा है, आपको पता है कि इसमें हरियाणा का सबसे ज़्यादा हिस्सा है और सब हिमाचल का है 15%, ठीक है ना। तो आपने ये इसका ध्यान रखना है कितना हिस्सा है, कितना राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। तो राजस्थान ने इसके सबसे ज़्यादा खर्च इसके ऊपर किया है। तो मेरी वीडियो आपको ये थी कुछ परियोजनाएँ। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।